हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण। आज बात करेंगे हम कि बीए इंट्रेंस पेपर के बारे में। ये कोड है तो बीए इंट्रेंस पेपर के बारे में। शुरू करने से पहले चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन बटन होगा। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, परीक्षार्थी का नाम रहेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, अनुक्रमांक रोल नंबर रहेगा, परीक्षा केंद्र या फिर परीक्षा केंद्र में जो लिख सकते हैं आप, डॉक्टर हरि सिंह गौर या फिर ये आप लिख सकते हैं कि जैसे एक्सीलेंस सागर, वहाँ पे बस स्टैंड के पास है, वहाँ पे हो सकता है पेपर। तो दोस्तों, जैसे ये देख सकते हैं 18/5/2019 का पेपर है, इधर सील लग जाएगा। पेपर शुरू करने से पहले दोस्तों, इसकी कुछ चुनौतियाँ रहते हैं, जैसे कि पुस्तक इसको तब तक न खोलें जब तक कहा न जा सके। दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, सभी प्रश्नों को केवल दी गई उत्तर पत्रिका शीट में भर के देना है, वो उत्तर आंसर खुद होगा। बीएड वाला जो मेरा उसमें है दोस्तों, मैं उसमें अच्छे से दिखाया हूँ उत्तर की पुस्तिका में कैसे कैसे भरा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि और ये तीसरा शर्त क्या कहते हैं, निर्देश क्या कहते हैं कि अंकित करने वाले पूर्व प्रश्न तथा उत्तर पुस्तिका शीट सावधानी पूर्वक देख लें, पहले कहीं फटा छटा तो नहीं है, कटा वटा तो नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, अच्छे से उत्तर पुस्तिका देख लें और इंग्लिश वाले शर्ट देखेंगे, हिंदी वाले शर्ट देखेंगे। जैसे कि प्रश्न फर्स्ट में कहते हैं, निम्न में से कौन शोगन्स का प्रथम नियम माना जाता है। दोस्तों, ऐसे देख सकते हैं आप पूरे, तो हम तो बात करेंगे ही। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें कह रहा है जीडीपी क्या है। दोस्तों, आप कमेंट करके आंसर मुझे बता सकते हैं, मेरे पास आंसर शीट है, मैं आपका कॉपी चेक करके और बता सकता हूँ कि कितना गलत है कितना सही। तो ये भारत एक है कैसा मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी, गांधीवादी, ये सब देख सकते हैं दोस्तों जी। इनमें से द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है कृषि, उद्योग, सेवाएं, व्यापार। जैसे कि दोस्तों, इसमें द्वितीय क्षेत्र उद्योग आएगा। और जैसे दोस्तों, इसमें मिश्रित होगा। दोस्तों, क्या है ना कि टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, पेपर आता जाएगा, आप देते जाएंगे। नए औद्योगिक नीति प्रारंभ हुआ था दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिंदी वाले एक साइड देख सकते हैं, इंग्लिश वाले एक साइड। स्वेज नहर लाल सागर को किससे जोड़ती है, तो इसका आंसर बता सकते हैं मुझे और मैं बता सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा सही है। पवन की गति मापने को क्या कहते हैं दोस्तों, जी देख सकते हैं। कोपन की जलवायु दोस्तों देख सकते हैं, बीएड वाले में मैं अच्छे से समझाया हूँ।
शादी ब्याह के बाद में कोई चलता हो तो भाई लोगों को बता, अच्छा रवाज चल रहा है, बढ़िया है। दोस्तों ये देख सकते हैं, जो कि दोस्तों अपना आधा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आज़ाद भगत, आज़ाद सिंह फौजी, आज़ाद हिंद फौजी की स्थापना की गई थी कहाँ पे? दोस्तों टेंशन ले लेकर नहीं, मेरे पास नोट्स भी है, आप कमेंट करके नोट्स देख सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट का पूछा है, मैंने कि देख सकते हैं करेंट का, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, इस मुझे बता सकते हैं आप लोग। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ये देख सकते हैं। क्रिकेट किस देश के राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? दोस्तों खेल से भी संबंधित पूछा जाता है। और ये रहा लास्ट, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ? तो दोस्तों इसको कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इधर जो आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मगर जब तक पेपर रहता तो नहीं लिखें। जैसे देख रहे हैं ये, जैसे ऊपर बीएड, बीए बीएड का है दोस्तों और 19 का है, तो जल्दी से कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।